नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला पर यूपी की बात। इस शो में हम आपको बताते हैं यूपी की तमाम बड़ी खबरें और इन खबरों का विश्लेषण करने के लिए लखनऊ से मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी खबर कन्नौज से है। एक शख्स पर रेप के प्रयास का आरोप लगा है। बीजेपी इस शख्स को समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बता रही है, वहीं सपा ने इससे इनकार किया है। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है नवाब सिंह यादव। उत्कर्ष, आज पहला सवाल यही है कि नवाब सिंह यादव है कौन, क्या प्रोफाइल है इस शख्स की, ये क्या काम करता है और क्या वाकई ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है वरुण कि ये कहना कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये गलत होगा। और इसलिए गलत होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने खुद एक चिट्ठी जारी की है कि 5 सालों से ये व्यक्ति पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था। तो जो व्यक्ति कभी पार्टी से जुड़ा नहीं रहा, वो विरोध में रहे या समर्थन में रहे, आप उसकी चिट्ठी जारी करेंगे ही नहीं। आपने चिट्ठी जारी की है मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि 5 साल पहले समीकरण शायद बेहतर थे। हाँ, एक जरूर है कि वो जो तथ्य सामने आया उससे एक बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि शायद 5 सालों से नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, लेकिन उसके पहले के लिंक है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसी साल लिखी गई और पिछले ही महीने जुलाई में लिखी गई चिट्ठी को इस बात का आधार बना रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नवाब सिंह यादव की माताजी के देहांत के बाद एक सांत्वना की चिट्ठी उनके परिवार को और उनको लिखी थी। तो उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति पार्टी में नहीं था, अगर वो मान लीजिए पार्टी में नहीं था तो कहीं ना कहीं तो वो करीबी था। आप हर एक व्यक्ति को उस तरीके की चिट्ठी नहीं लिखते हैं, तो आपने वो चिट्ठी लिखी है मतलब कोई ना कोई लिंक है। दूसरा, जो कन्नौज के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनकी चिट्ठी आई है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि 5 सालों से पार्टी विरोधी गतिविधि में व्यक्ति शामिल था और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ घूम रहा था। लेकिन उस बात से एक बात जो बनती है, एस्टेब्लिश होती है कम से कम, वो ये कि 5 साल से पहले यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान तक तो कम से कम नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से एक लिंक था या समाजवादी पार्टी से एक जुड़ाव था। जहां तक समाजवादी पार्टी का एक रुख है, और आपने वो बात पूछी नहीं लेकिन मैं उसको जरा मेंशन कर देना चाहता हूं क्योंकि आपने पूछा कि वो किस तरीके का व्यक्ति था या क्या वो बातें थी। पर एक बात जिसका हमको खूब ध्यान देना चाहिए वो ये कि नवाब सिंह यादव कहीं ना कहीं एक सोशली इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कि उस एक सीमित क्षेत्र में एक तरीके से एकाधिकार या फिर कम से कम वर्चस्व है। वो धनबल के कारण है, वो बाहुबल के कारण है, वो अपने कॉलेजों अपनी संस्थाओं को चलाने के कारण, जिस भी कारणों से है वो है। इसके अलावा एक बात और है, पिछले 24 घंटे में कई सारी तस्वीरें कई सारी फोटो सोशल मीडिया पर आई हैं, जिनमें से कई फोटो नवाब सिंह यादव की इस तरीके की भी हैं जिसमें वो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी दिखाई दे रहा है। और तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठने शुरू हुए कि अगर वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का व्यक्ति था तो फिर एक दूसरी सरकार में जहां अधिकारी जिलों में कम से कम सरकार के ही चेहरे होते हैं या सरकार की व्यवस्था का अंग होते हैं, उनके कार्यक्रमों में व्यक्ति क्या कर रहा है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि नवाब सिंह यादव कहीं ना कहीं सोशली अपने धनबल के कारण अपने बाहुबल के कारण एक प्रभावशाली व्यक्ति था जो कि कोई भी समय हो, और हम हमेशा इस बात जानते उत्तर प्रदेश की सियासत में कि जो व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं वो सत्ता से दूर नहीं रह पाते। और इसीलिए पिछले 5 सालों की वह कई तस्वीरें हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता निकाल कर बता रहे हैं और वो ये बताना और ये साबित करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से वो व्यक्ति 5 साल से संपर्क में नहीं था लेकिन भाजपा से संपर्क में था। एक लाइन में सवाल का जवाब जो खत्म करूं, पूरी रत्ता कश्य कन्नौज में वरुणा विस्वात की दिखाई दे रही है कि नवाब सिंह यादव किसका नया दोस्त था। पुराना दोस्त था, उसका इतिहास तो दिख रहा है, नई दोस्ती किसके साथ है और ये अपराध होने तक दोस्ती किसके साथ है, ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश है। जी उत्कर्ष, बात अब करते हैं नवाब सिंह पर दर्ज मुकदमों के बारे में। नवाब सिंह यादव पर कुल कितने मुकदमे दर्ज हैं और क्या ये गंभीर किस्म के मुकदमे हैं? मतलब ये बहुत सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस के हिसाब से नवाब सिंह किस श्रेणी का अपराधी है? देखिए, नवाब सिंह यादव पर अब इस मामले में जो रेप का प्रयास का मामला है इसको अगर जोड़ लिया जाए तो ये 16वां मुकदमा है जिसके खिलाफ दर्ज हुआ है। इससे पहले कन्नौज सदर थाने में अधिकतर मुकदमे दर्ज हैं और 15 मुकदमे नवाब सिंह यादव पर दर्ज हैं। इसमें से कई सारे मुकदमे ऐसे हैं जो कि हम राजनीतिक क्रियाकलापों में देखते हैं जिसमें कि धरना प्रदर्शन जैसे मामले भी शामिल होते हैं और नवाब सिंह के कई जुड़े समर्थक या नवाब सिंह से जुड़े लोग उसको राजनीतिक मुकदमा बताते हैं। लेकिन कुछ एक मुकदमे गंभीर धाराओं में है वरुण, जिसमें कि बलवा, जिसमें कि धमकी, जिसमें कि आपराधिक षड्यंत्र के मुकदमे भी शामिल हैं।
और ये वो गंभीर धाराएं हैं जिसके बाद जो आप पूछना चाह रहे थे स्पष्ट रूप से कि नवाब सिंह यादव पर क्या गंभीर मुकदमे हैं, तो कुछ एक हैं लेकिन जो संख्या है कुल 16 की और उसमें सबसे गंभीर मुकदमा तो अब ये हुआ है जिसको लेकर हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं। ये जो खबर है या जो कन्नौज का प्रकरण है ये इतना चर्चित हुआ है, रेप के प्रयास का मामला, लेकिन इसके अलावा नवाब सिंह यादव पर जो अधिकतर मुकदमे हैं वो उस तरीके के हैं। जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में भी कहा कि जब कोई राजनीति से जुड़ा व्यक्ति होता है तो कई सारे प्रदर्शनों में कई सारे कारणों से भी मुकदमे होते हैं, वैसे मुकदमे हैं, लेकिन बलवे के साथ साथ बलवा एक ऐसा मामला हो जाता है जो कि गंभीर अपने आप में है। इसके अलावा आपराधिक षड्यंत्र के जो मामले हैं वो गंभीर हैं और मतलब पहले भी गंभीर धाराओं में मुकदमे नवाब सिंह यादव पर दर्ज रहे हैं। वरुण ठीक है, उत्कर्ष एक सवाल मेरा आपसे ये कि पीड़िता की रिश्तेदार नवाब सिंह को क्या पहले से जानती थी, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें वो बैठी हुई दिख रही है। मतलब सवाल ये कि पुलिस क्या इस एंगल से भी कोई जांच कर रही है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ये बात कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो रही है कि वो रिश्तेदार जानते थे और इसके दो आधार हैं। एक जो वीडियो की बात आपने अपने सवाल में कही वो बिल्कुल सही है कि वीडियो में पीड़िता के रिश्तेदार हमको दिखाई दे रही है और बुआ बताई जा रही है उस पीड़िता की। इसके अलावा एक दूसरा कारण ये है क्योंकि ये पूरा जो प्रकरण है, और आपको भी पता होगा हमने कई सारी रिपोर्ट अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर इसको लेकर बनाई है, ये जो पूरा प्रकरण है ये देर रात का है। देर रात को पीड़िता या आपकी बुआ के साथ नवाब सिंह के उस संस्था पर क्यों गए, वो उस कॉलेज पर क्यों गए, मतलब अगर आपको जो उसमें पूरी कहानी पर उसमें जो एक दो सवाल उठ रहे हैं कानूनी तौर पर भी मुझे लगता है वो सवाल उठेंगे कि अगर बात नौकरी की थी तो रात को 9 बजे 11 बजे के आसपास अगर आप एक संस्थान पर जानते हैं जाते हैं या नौकरी देने का कोई आपको वादा करता है तो यानी इससे पहले तो कम्युनिकेशन हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार किसी से मिलने पहुंचे, बात हुई होगी, उस बात के जवाब में ये कहा गया होगा कि अच्छा ठीक है आप एक काम करिए मिलने आ जाइए, हम आपकी नौकरी की व्यवस्था देख लेंगे, हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, पर नौकरी के लिए इससे पहले अप्रोच हुआ होगा जिसके संबंध में मिलने की बात आ रही है। इसके अलावा जिस तरीके से वो सीधा रात को एक व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि अगर आप देर रात को जा रहे हैं कि ठीक है इस व्यक्ति से समय मिला जा सकता है। और जो एक वीडियो आया है जिस वीडियो का आप भी जिक्र कर रहे हैं और उसमें वो जो पीड़िता की बुआ है वो जिस तरीके से नवाब सिंह के साथ बैठी दिखाई दे रही है या सामने ही बैठे दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं बताता है कि कोई ना कोई बातचीत या कोई ना कोई बातचीत ही हो रही है, उसमें जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जो अवस्था है वो अवस्था वो वीडियो में हमने देखी है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी संभावना है कि हाँ जरूर ये हो सकता है कि पीड़िता या पीड़िता के रिश्तेदार वो जो बुआ खासतौर पर नवाब सिंह को पहले से जानती हो। किस तरीके की वो जान पहचान है ये मुझे लगता है कि एक बार नवाब सिंह से या जरूरत पड़ने पर उनकी बुआ से भी जब पूछताछ होगी तब वो स्टेब्लिश हो पाएगा। हम जो कह रहे हैं वो परिस्थितिजन्य कयासों पर या उन परिस्थितिजन्य चीजों पर कह रहे हैं कि जो कि उस परिस्थिति में दिखाई दे रही है। इसमें से कई चीजों का मैं बहुत स्पष्ट कर दूं क्योंकि एक लीगल मामला है, कई चीजों का स्पष्टीकरण या कई चीजों का जो एक अंतिम पक्ष होता है या जो एक दूसरा पक्ष होता है वो पूछताछ के बाद सामने आएगा, लेकिन जो चीजें दिख रही है वो क्या दिख रही है वो मैंने आपको बताया। ठीक है उत्कर्ष, एक सवाल मेरा आपसे ये कि पीड़िता ने कब और किन हालातों में पुलिस को फोन किया और पुलिस ने जो वीडियो बनाया वो सोशल मीडिया में लीक कैसे हो गया? देखिए, जो पहली बात है आपने बोला कि कब और कैसे फोन किया, थोड़ा सा बातें पिछले सवाल के जवाब में आ गई लेकिन मैं उस पूरी टाइमलाइन को एक बार जिक्र कर देता हूं तो आप समझ जाएंगे। जो जानकारी है वो ये है कि पीड़िता और उसकी बुआ लखनऊ किसी काम से गए थे, वो लखनऊ से वापस लौटे और उनकी नौकरी के सिलसिले में नवाब सिंह यादव से बातचीत हुई थी। उनको तिरवा पहुंचने में कन्नौज पहुंचने में देर हुई, रात हुई, रात के वक्त फिर उन्होंने तय किया कि ठीक है नवाब सिंह यादव ने कहा था तो अभी ही जाकर मिल लेते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं 9 से 11 के बीच का वक्त बताया जा रहा है, जब वो वहां पर बैठे पहुंचे वो जो कॉलेज की बात आ रही वहां पर, और उसके बाद पीड़िता की जो बुआ है वो बाथरूम गई तो पीड़िता के साथ नवाब सिंह यादव ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके कपड़ों और उसके शरीर से छिड़काने की कोशिश की। इसी कोशिश के दौरान किसी तरीके से पीड़िता को मौका मिला और वो उसी परिसर में जहां पर वो अपनी बुआ के साथ गई थी उसी परिसर में वो किसी दूसरी जगह पर जाकर जो हेल्पलाइन नंबर है 112 उस पर उसने कॉल किया 112 पर, और 112 पर कॉल करने के बाद जो पुलिस की रिएक्शन टीम होती है जो 112 की हेल्पलाइन टीम होती है वो उस स्थान पर पहुंचती है। अब उसके बाद नवाब सिंह की गिरफ्तारी होती है, पीड़िता की शिकायत पर होती है, उससे प्राथमिक तौर पर वहां पूछा जाता है कि आप कब आए थे, कितने बजे पहुंची थी, कहाँ है वो, पर वो पीड़िता ही पुलिस को ले जाती है। जो दूसरा सवाल है वीडियो का,
प्राथमिक तौर पर, और वापस ये अपुष्ट सूत्रों से है क्योंकि कई सारी बातें रिकॉर्ड में नहीं आई गई, और अगर कोई पुलिस या कार्रवाई का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर कैसे आई, अपने आप में एक सवाल जिसका कन्नौज पुलिस को आधिकारिक तौर पर जवाब देना होगा। लेकिन जो सूत्रों के जरिए बातचीत जानकारी सामने आई है वरुण, उसमें एक बात यह है कि पहली बात, ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये उस पहली टीम ने बनाया है जो कि उस जगह पर पहुंची थी और जिसके जिसका उस पीड़िता के साथ संपर्क हो रहा था लोकेशन ट्रेसिंग के लिए पहुंचने के लिए, जिसको की मदद के लिए फोन किया गया था। तो ये उस टीम ने वीडियो बनाया है, वो टीम जब ये वीडियो बनाती है तो वो लड़की उसमें उसकी आवाज आती है, पीड़िता की आवाज सुनाई दे रही है, चेहरा उसमें नहीं दिख रहा, और वही वो लोकेट करती है और उसी में ये जो बातचीत है कि आप कितने बजे पहुंची, कैसे मिली, क्यों आई थी, वो जो शुरुआती एक पूछताछ है वो उस वीडियो के चालू वीडियो में ही बनते वक्त हो रही है। उस वीडियो को जानकारी के लिए सबूत के आधार पर या मीडिया में ढेर सारे सवाल नवाब सिंह की गिरफ्तारी पर उठ रहे थे या उस इलाके में एक माहौल ऐसा बन रहा था कि जो कई सारे समर्थक थे गिरफ्तारी के बाद वो इकट्ठा हो गए थे, उनके मन में विश्वास पैदा करने के लिए क्या लीक किया गया, क्या जानबूझकर लीक किया गया या प्रसारित किया गया, इसका स्पष्टीकरण कन्नौज पुलिस से ही आएगा। लेकिन प्राइमर पेसी जो सोर्सेस बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये वही वीडियो है जो पहली टीम जब पहुंची थी उस पीड़िता के फोन के बाद, उस टीम ने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है उत्कर्ष, लेकिन रात के वक्त नौकरी के लिए पहुंचना, फिर पीड़िता के साथ छेड़छाड़, फिर पुलिस का पहुंचना, फिर वीडियो का लीक होना, फिर नवाब सिंह यादव का बयान देना, नवाब सिंह के समर्थकों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? हूबहू वही जो सवालों की शक्ल में आपने कहा वो उसको वाक्यों की शक्ल में कह रहे हैं। उनका यही कहना है कि भाई अगर कोई व्यक्ति को ये कह रही है पीड़िता या जो जिस तरीके का आरोप है कि अगर वो पहली बार मिले, तो अगर पहली बार मिले तो कौन रात बे रात किसी के घर इस तरीके से जाता है। हालांकि मैं उस तर्क से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, उसको दूसरे शब्दों में कई बार हम कानूनी प्रक्रिया में देखते हैं कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन की भी प्रक्रियाएं होती है कि आप सवाल ही उस पीड़िता पर उठा दीजिए और उससे आपका जो ग्राउंड है वो मजबूत होता है वो दिखाई देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है जो आपने कहा कि समर्थक क्या कह रहा था, तो वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जानकारी थी, कहीं ना कहीं दूसरे को जानते थे, इसीलिए वो उस कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं नौकरी दे दी जाएगी वो वहां पर पहुंच गए। दूसरी बात ये भी आ रही है कि क्यों रात बिरात पहुंचे। तीसरी बात ये आ रही है कि बड़े आराम से वो पीड़िता बाहर निकली, अगर मतलब उसमें उनके समर्थकों का एक दलील ये है कि नवाब सिंह के समर्थकों की कि अगर पीड़िता ने फोन किया ठीक है, लेकिन फोन करने के बाद से लगातार वो वहां पर नहीं पहुंची, वो पुलिस टीम से मिली, पुलिस टीम को गाइड करके अंदर ले गई, और तब तक अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की कोशिश कर रहा है और वो लड़की वहां से गायब रहे तो क्या वो उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वो बड़े आराम से बुआ से बात कर रहा है। दूसरा, बुआ परेशान नहीं हुई कि मेरे साथ जो लड़की आई थी वो गायब है, वो नहीं दिख रही है, वो कहाँ है? तो जो नवाब सिंह के समर्थक हैं जिन्होंने घेराव भी किया था, उनका ये कहना है कि वो जो मामला है ये फैब्रिकेटेड है। उनका ये कहना है कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है, इस मामले को तैयार किया जा रहा है, इस मामले को बनाया जा रहा है। अब उनके कहने में कितना सही है कितना गलत है, मुझे लगता है वापस एक तो ये मामला पुलिस की जांच में कितना बढ़ के निकलेगा, कितना बड़ा होगा वो उनसे पता चलेगा। दूसरा, कोर्ट में जब ये पूरा मामला जाता है, कोर्ट की प्रक्रियाओं में और वहां पर जो दलीलें आएंगी कितनी सही कितनी गलत, क्योंकि दलीलें हर पक्ष की होती है, कौन सही है कौन गलत है ये अदालत में तय होगा, साक्ष्यों से तय होगा, सबूतों से तय होगा। ठीक है उत्कर्ष, बीजेपी इस मामले में समाजवादी पार्टी को घेर रही है। आज सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने क्या कुछ कहा उत्कर्ष, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहले तो इस बात की अहमियत को इस तरीके से हमारे तमाम दर्शक जो बेहद मुझे लगता है बेहद समझदार हैं समझते भी होंगे, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में लॉ एंड ऑर्डर का एक मसला अगर दिल्ली से एड्रेस किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले को एक सियासी मौके के तौर पर भी देख रही है, जिसके जरिए वो समाजवादी पार्टी को घेरना चाहती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही यही है कि वो इस मामले को सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक जिले का लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं मान रही। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल आपने मुझसे पूछा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तीन बातें प्रमुख रूप से कही गई। एक, समाजवादी पार्टी और नवाब सिंह यादव की लिंक को भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम आधारों पर तस्वीरों के आधार पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जो कि सोशल मीडिया पर भी खूब प्रचलित है, जिसका हमने भी जिक्र किया है कि
जो पुरानी तस्वीरें हैं जो चुनाव लड़ने के दौरान प्रबंधन के दौरान समाजवादी पार्टी मुख्यालय की तस्वीरों का हवाला दिया गया कि ये मुख्यालय की तस्वीरें हैं, उस चिट्ठी का हवाला जो कि सांत्वना की चिट्ठी अखिलेश यादव की ओर से लिखी गई नवाब सिंह यादव को और उनको एड्रेस करते हुए उनके परिवार को, तो ये बताने की कोशिश की गई कि नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से सीधा लिंक। दूसरा जो मैं आपसे पहले सवाल के जवाब में कह रहा था कि एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ी जा रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक चीज एक छवि भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी के लोगों का आपराधिक गतिविधियों से सीधा जुड़ाव होता है, और आप वो भी खासतौर पर ऐसे मामलों से जहां की महिला उत्पीड़न या यौन दुराचार से संबंधित मामले होते हैं, अयोध्या और अयोध्या के बाद कन्नौज, और ये इसी क्रम में कहा गया, तो दूसरी बात ये कही गई। तीसरी बात समाजवादी पार्टी के स्टैंड को लेकर सवाल पूछा गया, क्योंकि हमने मिल्कीपुर के अयोध्या के मामले को लेकर देखा था, अयोध्या के मामले को लेकर देखा था कि कैसे डीएनए जांच की मांग से लेकर कई सारी मांग आई थी, इस पर जो एक अलग से चुप्पी है या फिर नवाब सिंह यादव से सिर्फ पल्ला झाड़ने की कोशिश है, उसके बाद आरोपी के पक्ष में या समर्थन में कुछ नहीं है, उस मामले को लेकर भी सवाल पूछे गए कि समाजवादी पार्टी जब लगातार गिर रही है तो बैकफुट पर क्यों जा रही है। ठीक है उत्कर्ष, अब जब बात राजनीति की हो रही है तो बात यूपी के विधानसभा उपचुनावों की करते हैं। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों के लिए और सपा ने 6 सीटों के लिए प्रभारियों के नामों की घोषणा करती है। यहां बहुत सीधा सवाल है मेरा उत्कर्ष के, क्या सपा और कांग्रेस के बीच उपचुनावों में वो तालमेल दिखाई देगा जो लोकसभा चुनावों में दिखा था? देखिए इसके लिए ना हमको कुछ बैठकों का इंतजार करना होगा। मेरे पास जो इनपुट है, एक दो जानकारियां मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी, मैं फिर कर देता हूं कि एक तो दोनों ही पार्टियों की चुनावी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। वरुण कांग्रेस का की जो लोकल यूनिट है यानी प्रदेश यूनिट जो है वो तो ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी पिछली बार 5 सीटों पर चुनाव जीती थी, बाकी बची 5 हमको मिल जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी हरियाणा महाराष्ट्र इन राज्यों पर सीट मिलने की हालत में ही कांग्रेस को कुछ सीटें यहाँ पर देने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में मैंने पिछली बार भी कहा था कि 3 तरीके के समीकरण है जो हमको लगातार दिखाई दे रहे हैं। एक कि हो सकता है दोनों पार्टियों में कोई गठबंधन ना हो और दोनों पार्टी अपनी अपनी क्षमता के आधार पर चुनाव लड़ती दिखाई दे। दूसरा कि दोनों पार्टियों में कुछ एक सीटों पर समझौता हो जाए और कुछ एक सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को भी मिले जहां पर दोनों में सहमति नहीं बनती। तीसरा ये कि इस मामले में दोनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं वो इंटरवीन करें, दिल्ली में बैठ के हों, राष्ट्रीय स्तर पर बैठ के हों और उसके बाद एक सुलह समझौता दिखाई दे जो कि शायद गठबंधन की शक्ल में हो सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को ही आखिर में इंटरवीन करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूनिट कांग्रेस की नहीं तय कर सकती कि आपको महाराष्ट्र में या हरियाणा में कोई सीटें देनी है नहीं देनी है, वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकती है। तो ऐसे में हमको इस बात का बहुत ध्यान देना होगा कि क्या हो सकता है। अब दूसरी बात इसी में जो दूसरा पक्ष आ जाता है वरुण, वो ये कि किस तरीके से एक जो आपने पूछा कि क्या सामंजस्य होगा। देखिए सिर्फ समाजवादी पार्टी ने नहीं, कांग्रेस ने भी इन सभी 10 सीटों के लिए अपने प्रभारियों की घोषणा कर दी है और कई बड़े ऐसे नेता हैं। देखिए अगर मैं मिल्कीपुर का एक उदाहरण ले लूं तो अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं, तो अखिलेश सिंह जो कि देवरिया से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार सांसदी का चुनाव उन्होंने लड़ा था, वो कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। अखिलेश सिंह के बारे में एक चीज कही जाती है कि जब वो विधायक भी थे तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उनको बड़ा सहयोग मिलता था, भले ही वो कांग्रेस के विधायक थे लेकिन उनके विकास कार्य नहीं रुकते थे। तो ऐसे में एक चीज ये हो सकती है कि हो सकता है एक सामंजस्य लोकल लेवल पर नेताओं की आपसी ट्यूनिंग का देखने को मिले, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि दोनों ही पार्टियां अलग है, अगर पार्टियों में एका नहीं होगा तो जो प्रभारी बने हैं वो भी अपनी अपनी पार्टियों को जिताने पर काम करेंगे। प्रभारियों की नियुक्ति इसलिए भी की गई, उसका एक कारण ये भी है कि जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर एक्टिव दिखाई दे रही है, मंत्रियों की टीम बन गई, खुद मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री दो दो सीटों की जिम्मेदारी निभाते दिखाई दे रहे हैं, संभालते दिखाई दे रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री लगातार, और मेरी जानकारी में वो अगले हफ्ते 18 तारीख को शायद फिर मिलकर पहुंच जाएंगे, तो 2 हफ्तों के भीतर ये तीसरा दौरा होगा उनका अयोध्या का। वरुण पिछले 2 दौरों पर भी खबरें निकली थी और हमने उसको कवर किया था, अभी सूत्रों के जरिए, लेकिन मेरे पास जो जानकारी मिल रही है कि 15 अगस्त के ठीक बाद यानी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उनका अयोध्या का कार्यक्रम बन रहा है, उसको देखते हुए सपा ने और कांग्रेस ने दोनों ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है उत्कर्ष, सपा और कांग्रेस की बात तो आपने बता दी, मायावती की इन चुनावों को लेकर उपचुनावों को लेकर तैयारियां क्या हैं? देखिए रविवार को
मायावती ने तीन पार्टी की बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम उपचुनाव पर लड़ने जा रहे हैं। जानकारी पहले से थी लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम जो जिम्मेदार पदाधिकारी उनसे इस बात को दोहराया। जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि उस बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर या नाम पर तक डिस्कशन हुए हैं। संभावित रूप से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं कोई लिस्ट नहीं आई, लेकिन उस पर नामों पर मंथन बहुजन समाज पार्टी ने शुरू कर दिया है। दूसरा, मायावती ने यह भी कहा है कि हमको दमखम से इन चुनावों में जाना है, उसका कॉम्बिनेशन से लेकर तमाम बातों का ध्यान रखना है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मायावती आक्रामक हुई है, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, चाहे वो कई और विषय हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से जुड़े विषय हो, चाहे वो संविधान की बात हो, आरक्षण की बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियों की बात है, जिस तरीके से हर मसले पर वो हमलावर हैं, जो एक क्विक रिएक्शन उनकी ओर से देखने को मिल रहा है, उन्होंने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से कहा है इन बातों को जमीन पर लेकर जाइए कि आरक्षण और संविधान के नाम पर आपका वोट मांग लिया गया, लेकिन आरक्षण और संविधान के लिए जो लड़ाई लड़ रही है या जो पार्टी सबसे पहले स्टैंड ले रही है वो बीएसपी है। तो वो ग्रास रूट पर जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन पिछले कई चुनावों से बीएसपी को बहुत सफलता नहीं मिली। S1 का संगठन थोड़ा सा शिथिल है, तो उनको कितना फायदा होता है वरुण, या कितना वो संगठन मजबूती से मैसेज को जमीन पर ले जा पाएगा और वोटर कितना प्रोमिनेंस दिखाएगा, ये मुझे लगता है थोड़ा सा उपचुनाव जब घोषणा हो जाएगी पास आएगा तब वो प्रभाव हम एनालाइज कर पाएंगे। उत्कर्ष, एक सीट जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है वो है मिल्कीपुर सीट, आप अभी उसके बारे में बता भी रहे थे। अयोध्या की ये जो सीट है इसकी कमान समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को दी है, बीजेपी की ओर से सीएम योगी ने ये जिम्मेदारी खुद ली है, इस सीट के समीकरण क्या हैं? और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कांग्रेस के प्रभारी का नाम भी बता दिया कि अखिलेश प्रताप सिंह की कांग्रेस के सांसदीय उम्मीदवार रहे और पूर्व विधायक रहे वो हैं। सीट के समीकरण बहुत साफ है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि सीट पर समाजवादी पार्टी का जो एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, जो कास्ट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था, वो सफलता दे गया था और वो इस हद तक सफलता दे गया था कि जिस लोकसभा इलाके में राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो वहां से समाजवादी पार्टी का जीत जाना जनरल सीट है, सामान्य सीट है, और उसके बाद वहां पर एक मतलब आरक्षित वर्ग से आने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना और उसके बाद जीत जाना, कहीं ना कहीं मिल्कीपुर इस वक्त प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि अवधेश प्रसाद खुद वहां से विधायक रहे और अब वो सांसद हो गए हैं, तो उनका सीधा कनेक्शन और इसलिए उनको वहां पर प्रभारी बनाया गया, जो हमारी जानकारी है कि उनका वोटरों से सीधा कनेक्शन है, वो वोटरों से उस कनेक्ट को बनाए रख सकते हैं और वो एक मैसेज और दे सकते हैं प्रभारी के तौर पर कि देखिए ये इस जगह से उनका कनेक्शन टूटा नहीं है, सांसद जरूर हुए लेकिन उस क्षेत्र को नहीं छोड़ रहे हैं। और इसीलिए जानकारी और जो आ रही है तो ये कि हो सकता है अवधेश प्रसाद के घर से उनके बेटे को ही समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना दे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, इसलिए लड़ाई कतई आसान नहीं होने वाली है। उसके बाद जिस तरीके से अयोध्या में एक रेप का मामला भी हमने देखा है क्यों है, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पर है। पर मैं बाबा साहब से कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की रणनीति बदलने वालों को लेकर एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये कि उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक बात एक एडवांटेज जो समाजवादी पार्टी के पास है वो ये कि चुनाव दूर है, हो सकता है तब तक अयोध्या का मामला ठंडा हो जाए। बहुत कांटे का मुकाबला होगा वरुण यहाँ पर, और उसका कारण ये है कि जिस सीट पर सबसे ज्यादा निगाहें थी वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीता, जिस व्यक्ति ने जीता वही प्रभारी है, और जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है वो भाजपा की ओर से प्रभारी है अवधेश प्रसाद बनाम योगी आदित्यनाथ, और ये अपरोक्ष रूप से अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये उपचुनाव भले ही 10 सीटों के उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिहाज से ये कुछ 1% भी नहीं होते हैं, 10% भी नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत दिलचस्प होंगे। वो वापस में सो कॉल्ड टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं करना चाहता कि आप इसको सेमीफाइनल कहिए, लेकिन ये 27 को लेकर कई सारे मैसेज सियासी तौर पर जरूर देंगे। जी उत्कर्ष, एक सीट की और बात करते हैं, मैनपुरी की करहल सीट। इस सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव को प्रभारी बनाया है और बीजेपी ने इस सीट की कमान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सौंपी है, इस सीट के समीकरण बताइए उत्कर्ष। करहल से विधायक थे खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो अपने आप समझ आ जाता है कि सीट कितनी महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी का कितना बड़ा गढ़ है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव किसी सीट को चुनते हैं तो वो सीट को चुनते हैं जहां वो कहते भी हैं कि एक परिवार का नाता बना रहे, वहां इमोशनल वोटर खूब ज्यादा है। और
एक अंदर खाने की चर्चा आपको बताता हूँ वरुण, बड़ी दिलचस्प चर्चा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीटों की जिम्मेदारी बांटी गई है, ये कहा जा रहा है कि शायद ब्रजेश पाठक को सबसे मुश्किल सीटें मिल गई क्योंकि अखिलेश यादव की सीट अगर आप एक बार फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि मिल्केपुर पर पासा पलटे, लेकिन करहल की लड़ाई बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए। उसका दो कारण है, जैसा मैंने आपको कहा कि एक तो वो गढ़ है, समाजवादी पार्टी का अपना संगठन, अपने नेता बहुत मजबूत है, और दूसरा वो इमोशनल वोट की सीट भी है जहां पर उनके जो वोटर हैं वो इमोशनली कनेक्ट हैं परिवार से भी, उन चेहरों से भी। उम्मीदवार कौन होगा? परिवार से भी उम्मीदवार हो सकता है या परिवार के क्लोज उम्मीदवार भी हो सकता है समाजवादी पार्टी की ओर से। भाजपा किसको उतारती है, कौन उस लड़ाई को लड़ने जाता है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना। कई सारे नाम चर्चाओं में है और मैं उन नामों को इसलिए नहीं कहना चाह रहा क्योंकि वो बहुत सतही नाम है। करहल को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि कश्मकश में है क्योंकि आपको किसी नेता को तैयार करना पड़ेगा वहां चुनाव लड़ने में। एक सीट और मैं जिसकी चर्चा करना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे दर्शकों को हम वो एनालिसिस भी दे दें जो अभी तक चर्चा में छूट गई, वो है अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी। कटेहरी में भी उपचुनाव होना है, कटेहरी इसलिए इम्पोर्टेंट है जी, मैं आपको सिर्फ एक लाइन कहता हूँ उसके बाद हम वापस आपके अगले सवाल पर चलेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिन दो सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, मिल्कीपुर अयोध्या के मिल्कीपुर के बाद दूसरी अंबेडकर नगर की कटेहरी है। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई समाजवादी पार्टी की ओर से। कटेहरी से आपको पता है कि प्रभारी कौन बने? कटेहरी से प्रभारी है शिवपाल सिंह यादव। तो समाजवादी पार्टी का वो व्यक्ति जो कि संगठन देखा हो, परिवार का कोई व्यक्ति जो कि प्रभारी बना हो, वो कटेहरी विधानसभा है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कटेहरी पर दिलचस्पी भी बहुत होगी और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भी एक एनालिटिकल रिपोर्ट हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए क्योंकि कैसे योगी बनाम शिवपाल में मुकाबला होता है जो आपको सदन में देखने को मिलता था, इस बार भी देखने को मिला, वो हमेशा वो दिखाई देता था, या इस बार जिस तरीके से बदायूं में शिवपाल सिंह यादव ने एक रणनीति बनाई थी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने परिवार के एक रणनीतिकार को भेजा है प्रभारी बनाकर, तो वो उस सीट को कितना कायम रख पाते हैं। और वो लालजी वर्मा जो कि बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए, उनकी सीट मानी जाती, दो बार से वो विधायक रहे थे, अब वो सांसद हो गए हैं, और ऐसे में वो व्यक्तिगत सीट ज्यादा है क्योंकि एक बार वो बसपा से विधायक थे, एक बार समाजवादी पार्टी से विधायक थे, विधायक वही बने तो उनके भी व्यक्तिगत वोटर है, तो दूसरी सीट जो है वो बड़ी मुश्किल वो कटेरी भी है। पर माफ कीजिएगा मैं एक सीट अतिरिक्त चर्चा कर गया आपके सवाल से, लेकिन मुझे लगा कि जरूरी है। उत्कर्ष, खबरें ऐसी हैं कि समाजवादी पार्टी ने चुनावों के लिए प्लान तैयार कर लिया है, पार्टी आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाएगी, इसको लेकर क्या इनपुट है आपके पास? और एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या विधानसभा उपचुनावों में ये रणनीति काम करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में ऑलरेडी इस पर काम किया जा चुका है और अब विधानसभा चुनाव में इसको अपनाया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को ये माना जाता है कि ये राज्य स्तर के चुनाव है, बहुत ज्यादा राष्ट्रीय स्तर की यहाँ बातें नहीं होती है, तो क्या ये रणनीति संविधान की, आरक्षण की ये काम करेगी? देखिए, काम करेगी या नहीं करेगी ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना है कि रणनीति काम करेगी। और आप समाजवादी पार्टी इस रणनीति पर आगे बढ़ना चाहती है को एक दो स्टेप से समझिए। शनिवार को बसपा प्रमुख मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आरक्षण में रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, और उन्हें कहा था कि देखिए कोई नहीं बोल रहा, और ठीक 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी की ओर से उस पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट अखिलेश यादव ने किया और उन्हें स्थिति स्पष्ट की कि पार्टी का क्या स्टैंड है। ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो इस मुद्दे को लेकर चुनावों में जाएंगे, ये इनपुट जो है वो इसलिए भी हमको, हम ये कह सकते हैं कि मजबूत इनपुट है जो हम बात बता रहे हैं, जानकारी जो बता रहे हैं अपने दर्शकों को, वो इसलिए सही है क्योंकि वो दिखता है, उन्होंने लिखा है। पहली बात, एक और नारा समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक बैठक में दिया गया है वरुण, वो बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी स्ट्रेटेजी की आप कॉपी तो मत कहिए, लेकिन वो एक लगता है कि उसे नक्शे कदम पर है। समाजवादी पार्टी ने एक बूथ पर 5 यूथ की एक रणनीति बनाई है, 5 युवा एक एक बूथ की जिम्मेदारी संभालेंगे, लोगों से मिलना, फीडबैक देना, वोटरों को बूथ तक पहुंचाना, उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करना, पार्टी की रणनीतियों को लोगों तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी 5-5 युवाओं की रहेगी और हर एक बूथ पर ऐसे 5 युवा को आइडेंटिफाई किया जाएगा। कुछ एक चुनाव पहले, मतलब सालों पहले आप कह सकते हैं कि कुछ एक चुनाव पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बूथ पर 10 युवा की रणनीति बनाई थी और अब ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी उस रणनीति को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनाने जा रही है। तो एक तो दो आपने कहा कि आरक्षण, संविधान, ये कोर मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे, इसके काउंटर में एक बूथ पर 5 युवा वाली रणनीति है, भाजपा का एक काउंटर तैयार है। इस बार भाजपा को साफ निर्देश है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय समय पर दिए, भाजपा की अंदरूनी बैठकों में तय हुआ है कि काउंटर नरेटिव भाजपा बहुत तेज, बहुत स्ट्रांगली और बहुत आक्रामक तरीके से लेकर आएगी। मतलब ये होगा कि जब जब ऐसा लगेगा कि कोई बात जो इसमें तथ्यात्मक त्रुटियां हैं, गलतियां हैं,
भाजपा उसका काउंटर करके आपको एकजुट होकर दिखाई देगी इस बार। ठीक है, शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। उपचुनावों को लेकर तमाम वीडियो अमर उजाला के यूपी चैनल पर प्रकाशित हुए हैं, आप इन वीडियोस को वहां भी देख सकते हैं। साथ ही कन्नौज मामले में भी तमाम वीडियो आपको अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर मिल जाएंगे। कल फिर उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर से हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे यूपी की बात। आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।